गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम है आपका पीबीआर श्रेणी चैनल पे, यूट्यूब के पीबीआर श्रेणी चैनल पे। आइए आप लोग, हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आई थिंक हम लोग चल रहे थे भाई, हमारा हाइपोथैलेमस चल रहा था ना, हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें फोर टाइप के हार्मोन्स ये रिलीज करता है, और उसकी लोकेशन वगैरह के बारे में शायद मैंने बता दिया था। लोकेशन हमारा ब्रेन में होती है, और ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट्स में होता है। तो ये सब चीज़ों को मैं क्लियर कर चुका था। तो क्या बताया था भाई मैं पिछली क्लास में, एक बार हम रिकैप कर दें फटाफट, क्या होता है। फोर टाइप्स के हार्मोन्स को ये रिलीज करती है, ये ग्लैंड्स होती है, हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम चल रहा था, और इंडोक्राइन जिसमें हमारे चल रहा है। तो पहले हमने क्या बताया भाई, हमने अभी तो बता दिया था टी आर एच, खत्म कर दिया था जी एन आर एच के बारे में, शायद हम लोगों ने मेंशन किया था थोड़ा बहुत, रिकैप कर लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। सी आर टी होता है भाई, नेक्स्ट होता है, और फोर्थ नंबर होता है डोपामिन, बहुत ही मशहूर है, मुझे लगता है सारे बच्चे इससे वेल नोन होंगे, डोपामिन। ठीक, आइए तो टी आर एच क्या बताया था मैंने बच्चों, टी आर एच का नाम क्या बताया था, पूरा क्या बताया था मैंने इसका पूरा नाम, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ना, इसके बारे में मैंने बताया था। और इसका मैंने बताया था भाई जी एन आर एच, ये इसी तरह लिखा रहेगा बुक्स में, बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका भी मैंने बताया, यहाँ देखो सामने लिखा भी है गैडनोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और ये क्या होता है भाई, रेगुलेट किसको करता है, हमारे सेक्स हार्मोन्स को, रेगुलेटिंग ऑफ द जेनाइटल सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम को ये रेगुलेट करता है दोस्तों। और इसमें टू टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कौन होता है भाई, एफ एस एच, और अगला होता है एल एच। ठीक, क्या बता दिया मैंने, एफ एस एच का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा होता है ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन्स, क्लियर, ओके। तीसरा होता है भाई सी आर टी, ये लास्ट वाले किसी एग्जाम में सीडीएस में या एनडीए में मैंने देखा था भाई, ये डायरेक्टली इसका क्या है, एब्रिविएशन फॉर्म पूछ लिया था, सीआरटी का एब्रिविएशन फॉर्म क्या होता है भाई बच्चे, तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, सीआरटी का एब्रिविएशन फॉर्म। ठीक, तो सीआरटी का एब्रिविएशन फॉर्म क्या होता है भाई, देख ले, सीआरटी, ये देखो सुनने में क्या लग रहा है भाई, कोई इंस्ट्रूमेंट टाइप का नाम है, बट इसका क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग जिंग हार्मोन। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से फटाफट तुरंत पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछेगा सीआईटी का पूरा नाम क्या होता है भाई, एब्रिविएशन फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ द सीआईटी, ठीक है, क्लियर हुआ, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, चीजें क्लियर होना, कई चीजें वो कंफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन में आपके कई चीजें दे रहे हो, उससे कार्ड को रिलीजिंग हार्मोन दे सकता है, और एन अदर कुछ भी चेंज कर सकता है, तो ये चीजें हो सकती है उसमें। तो इसका मेन वर्क क्या होता है भाई, मेन वर्क क्या होता है, ये कौन रिलीज करता है इसको, एक हमारे ग्लैंड्स होती है, हाइपोथैलेमस होती है, ये इसको रिलीज करती है, ठीक, रिलीज करती है, और ये क्या बताती है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है भाई, इट्स रेगुलेट्स आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है भाई, ये हमारी जो पिट्यूटरी का मतलब क्या होता है भाई, पीयूष होता है ना, शायद पीयूष होता है, मुझे लगता है पीयूष, हिंदी मीडियम वाले पीयूष ग्रंथि का ये संतुलन बनाता है, पीयूष ग्रंथि का यह संतुलन बनाता है। देख बच्चे क्या बताया मैंने भाई, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, पीयूष ग्रंथि के संतुलन को बरकरार रखता है, ठीक। तो जनरली इसका जो है एक ही काम होता है भाई, ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथ को, पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं, और ये इसी हार्मोन्स के थ्रू इसको कंट्रोल करता है, ठीक। सीआरटी को, ये नया टाइप्स का कुछ टॉपिक है, सीआईटी हार्मोन्स जो है, कुछ बच्चे होंगे इसमें कि सीआईटी बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि कुछ ग्रंथियां और कुछ हार्मोन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहली पिछली क्लास में, या कहीं पढ़ा होगा कहीं से। तो सीआईटी एक ऐसा हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और इसका वर्क होता है भाई, ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथ को कंट्रोल करता है। और ये पीयूष ग्रंथि का कुछ स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे होता है भाई, बायलोबियल फॉर्म होता है इसका, ऐसे होता भाई, ये इस टाइप्स का होती है पीयूष ग्रंथ। तो जब हम पीयूष ग्रंथ के बारे में आ जाएंगे डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें
मतलब प्रीस्गेंस के वर्क क्या होते हैं और उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, वन बाय वन करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके चले, तो लास्ट वाला हार्मोन होता है डोपामिन्स। ठीक है, डोपामिन्स भाई, डोपामिन्स होता क्या भाई, डोपामिन्स क्या होता है, इसका मेन वर्क क्या होता है? डोपामिन्स एक हार्मोन होता है और वी आर फील इन हैप्पीनेस। जब भी हम हैप्पीनेस फीलिंग करते हैं दोस्तों, क्या होता भाई, हैप्पीनेस फीलिंग करते हैं, यानी क्या फील करते हैं हम, जब हम भाई खुश होते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भाई, जब हम खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कहाँ से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। और ये क्या करता है भाई, जब हम फीलिंग कैसी फीलिंग होती है हमारे अंदर, खुशी की फीलिंग होती है। और ये खुशी की फीलिंग कैसी होती है भाई, जैसे कि मान लो आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, आपने किसी एग्जाम्स को वीट कर दिया या आपका कहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, आप थोड़े से क्या होते हैं भाई, एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं। तो उसी टाइम जो है ये खुशी जो है कैसे होता भाई, हमारा जो डोपामिन नामक हार्मोन्स होता है ये उसी समय सीक्रेट होता है। और एक चीज़ और होती है भाई, जब पहली बार क्या होता भाई, कोई बच्चा होता है भाई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हो ना, सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा एंड अदर किसी भी भाई अफीम वगैरह की क्या है एडिक्टिशन या लस्ट उसको मतलब ले रहा, तो पहली बार स्मोकिंग करना, यानी जब हम क्या करते भाई, कोई बच्चा, मैं तो नहीं करता भाई और करना भी करने को भी नहीं कहूँगा, सलाह दूंगा। तो जब भी हम क्या होता भाई, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते भाई, क्या लेते हैं भाई, कोई भी स्मोकिंग चीज़ें लेते हैं, मतलब नशा से चीज़ें लेते हैं, तो उनको कैसा महसूस होता भाई, खुश महसूस होता। या जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे मतलब जो हमारे इन्फेंट होते हैं, जो नवजात होते हैं, इन्फेंट होते हैं बच्चे, यानी जो नवजात होते हैं, जो शिशु होते हैं, शैशवावस्था वाले होते हैं, उनके सामने क्या होता है भाई, जब उनकी मम्मी वगैरह होती हैं, लोरिया वगैरह कहती हैं, लोरी का मतलब होता है जब हम छोटे थे तो उनकी कहानियाँ होती हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, एक फीलिंग आती है, वो ये फीलिंग करते हैं कि मतलब हमारा कस्टोडियन है या गार्जियन है, वो हमारे को हमें सर्व कर रहा और हमारी बातों को कर रहा, वो हमारी भाषा को, लैंग्वेज को समझ रहा, तो क्या होते हैं बहुत ही खुश होते हैं। और वो क्या होते हैं, उनके चेहरे पे कैसा दिखता भाई, एक स्माइल दिखती है। तो उस टाइम क्या होता भाई, डोपामिन ही सिक्रेट होता। तो आप जनरल क्या जानेंगे कि डोपामिन का सिक्रेशन कब होता, जब हम हैप्पी होते हैं। चलिए ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, डोपामिन जो हम खुश होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, डोपामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे। इस पे अब ये डोपामिन्स में अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जाए, डोपामिन्स का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगे हार्मोन्स का, तो एक हमारे अंदर बीमारी हो जाती भाई, एक हमारे पास बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, पार्किंसंस की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है भाई दोस्तों, मैं करेक्ट करता हूँ, पार्किंसंस। ये एक बीमारी हो जाती है भाई, डिजीज हो जाती है, डिजीज। बेसिकली डिजीज में होता क्या भाई, डिजीज में होता क्या, आदमी कैसे होता भाई, जब ये हार्मोन सिक्रीट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिक्रीट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं ना, तो वो क्या होता भाई, उसका जो ऑर्गन होते हैं या बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, ऐसे 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 मूव करेंगे, क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑलवेज मूव, सो मूवमेंट्स। क्या लिखेंगे मेरे भाई, कि मतलब जो पार्किंसन डिजीज होती है भाई, ये किसके ज़्यादा सिक्रीशन से होती है, ये होती भाई क्या होती, इसका जब क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना। ठीक, तो क्या बताया भाई, मैंने ये बताया कि जब हमारे बॉडीज में, हमारे शरीर में क्या होता है भाई, डोपामिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, तो पार्किंसन डिजीज नामक डिजीज होती है, इसमें जनरली क्या होता है, ह्यूमन बॉडीज में क्या होता है भाई, उसका मतलब हाथ पैर ऐसे हिलने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा हिलने लगता है। और ये क्या होता है भाई, डोपामिन खुशी के लिए होता है, और ये क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि ये
जनरली एक डिजी जनरेट हो जाती है, ये चीज़ें मैंने बता दी। तो फोर टाइप के हार्मोन्स हमारे यहाँ होते हैं भाई, कौन कौन से मैंने नाम लिया था एक बार मैं रिकैप कर दूँ फटाफट। पहला हार्मोन्स मैंने बताया था कौन सा बताया, TRH बताया था। सेकंड बताया था मैंने GnRH। थर्ड मैंने बताया CRT। और फोर्थ मैं बता रहा हूँ डोपामिन। ठीक है, हाइपोथैलमस नामिक ग्लैंड होती है जिससे ये सिक्रीट होते हैं। ठीक है, चारों को मैं वर्क एक बार रिवीजन कर देता हूँ। पहले का जो वर्क होता है भाई TRH का, वो क्या करता है, एक हमारे अंदर थायरॉयड ग्रंथ होती है जिसको हम लोग अट्टु ग्रंथ कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है, यानी उसके उसके संतुलित को बनाता है, और प्लस वो बॉडी के टेम्परेचर को भी बनाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बताया भाई, GnRH। इसका मेन काम होता है भाई, ये क्या होता है, रेगुलेट ऑफ आवर जेनाइटल सिस्टम, हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनको ये संतुलित करता है। ठीक है, सेकंड थर्ड हमने बताया भाई CRT। CRT का पूरा नाम पूछ सकता है बच्चे आपसे, CRT का पूरा नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और यह क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के संतुलन को बनाता है। पीयूष ग्रंथि का एक नाम और हमने बताया था मास्टर ग्रंथ। नेक्स्ट हमने बताया लास्ट डोपामिन। डोपामिन क्या होता है भाई, कब रिलीज होता है, जब हम कैसी फीलिंग करते हैं, यानी जब हम खुश होते हैं तो डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है। जनरल आप लिख लेंगे बच्चे कि जब ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बींग्स की बातें करते हैं, जब ह्यूमन्स बींग्स, हम ह्यूमन्स बींग पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन्स बींग के बारे में करें, यानी जब ह्यूमन्स बींग्स जो खुश होता है तो डोपामिन नामक हार्मोन्स सिक्रीट होता है। कहाँ से, हाइपोथैलेमस। ओके, इसके ज़्यादा सिक्रीशन होने से एक हमारे अंदर कौन सी डिजीज आती है भाई, परकिंसन नामक डिजीज होते हैं जिसको हम कहते हैं। इसमें ऑर्गन्स जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे हाथ वगैरह जो होते हैं भाई, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक, कैसे मूवमेंट, इसके जब ये इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है तो ये हमारी पहली ग्लैंड जो है फिनिश होती है यहीं तक। ठीक है, खत्म हुई, सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, किसी भी मित्र को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जो स्क्रीन शॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले ले फटाफट एक सेकंड के अंदर। चलो ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, अगली ग्लैंड के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे, वो हमारी ग्लैंड है पीयूष ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या होती पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ पाई जाती है, इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन करके हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पीयूष ग्रंथि। ठीक, इसका एक नाम और होता भाई, इसको नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ओके। तो पीयूष ग्लैंड हमारा अगला टॉप पॉइंट है, दूसरा ग्लैंड नंबर टू है पीयूष ग्रंथ। तो ये पीयूष ग्रंथ का दूसरा नाम होता भाई मास्टर ग्लैंड। कहाँ लोकेटेड होती है, क्या वर्क होते हैं, कितने हार्मोन्स इससे सीक्रेट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल के दिन। आज के लिए इतना ही, कैसा लगा वीडियो जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।